फिर बीच में कहां के वो हिमाचल के छोकरा कहां से आ गए, गधे कहां से आ गए बीच में आके सारे बाजार खराब कर दिए, सारे बाजार खराब कर दिए इन्होंने। सर ये सर इस चर्चा में सर कहां से नेहरू, कहां से सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी का लाने का कोई जरूरत है सर? अब ये लड़ाई देश की लड़ाई थी। मैं खुली चुनौती देता हूं विपक्ष को, गांधी परिवार के लिए वो ट्रस्ट बनाए थे नेहरू, ये लोग वहां पर उसके सदस्य रहे सर। शाही हुकम की तरह उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कह दिया पीएम नेशनल रिलीफ फंड बना। हम सब सुन, हम भी सब बड़े ध्यान से सुन रही थी सर उनकी सारे बात। बड़ी अच्छी लेडी है और हम सब उनको सम्मान भी करते हैं। सर बीच में कहां के वो हिमाचल के छोकरा कहां से आ गए, गधे कहां से आ गए बीच में आके सारे बाजार खराब कर दिए, सारे बाजार खराब कर दिए इन्होंने। सर ये सर इस चर्चा में सर कहां से नेहरू, कहां से सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी का लाने का कोई जरूरत है सर? अब गरीब से गरीब व्यक्ति ने पैसा दिया। सर मुझे दुख इस बात का होता है कि गरीब से गरीब व्यक्ति ने तो इसके इसमें अपना योगदान दिया, लेकिन कुछ लोग यहां पर ऐसे हैं कि उनकी अच्छी सोच पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये केवल नरेंद्र मोदी जी की सोच पर या प्रधानमंत्री की सोच पर प्रश्न खड़ा नहीं करते, ये हिंदुस्तान के 138 करोड़ की जनता की सोच पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। किन लोगों ने योगदान दिया मैं कुछ कहना चाहता हूं सर इस पर। सर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की 9 साल की अनुष्का और 6 साल के युवराज ने अपनी गुल्लक तोड़कर 700 रुपए में से 300 रुपए इसके लिए योगदान दिया है सर, बच्चों ने दिया है सर। सर अगला कानपुर के किदवई नगर में बच्चों ने मजदूरों के लिए जो गुल्लक तोड़कर सर 5,855 रुपए पीएम केयर फंड के लिए दिए सर। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की सर 10 साल की बेटी सुहानी ने 4,091 रुपए पीएम केयर फंड के लिए दिए सर। सर बीड की रहने वाली एक रिटायर्ड टीचर ने 5,00,000 रुपए पीएम केयर फंड में दिया सर। सर अगर योगदान देने वालों के लिए भी सर, जिन बच्चों ने अपनी गुल्लक तोड़कर पैसा दिया उनका नाम सुनने के लिए भी राजी नहीं है, तो शर्म आनी चाहिए सर इस सोच के ऊपर। सर उत्तराखंड की अगस्त मुनि 80 साल की वीरांगना सर दर्शना देवी जी सर 10 किलोमीटर पैदल चलकर बैंक आई और अपने जीवन भर की पेंशन 2,00,000 रुपया पीएम केयर्स में दे दी सर, 2,00,000 रुपया सर। सर दिल्ली के जयप्रकाश नगर के 82 वर्ष के महेंद्र सिंह सर 1,00,000 रुपया पीएम केयर्स फंड के लिए दे दिया सर। सर उत्तराखंड के गौचर के 60 साल की देवकी भंडारी ने सर 10,00,000 रुपया पीएम केयर्स। सर नेता हो, अभिनेता हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, सांसद हो या विधायक हो, हर किसी ने अपनी ओर से देने का प्रयास किया है, क्योंकि ये लड़ाई देश की लड़ाई थी और इस लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम केयर फंड की स्थापना करके करने का काम किया सर। सर अभी उसमें मुझे बहुत कुछ कहना है सर। सर इनका असली चेहरा तो दिखाना बाकी है सर। सर सर इसमें कम से कम आधे घंटे का समय तो चाहिए होगा सर, क्योंकि नहीं, वो आज बिल की फुल डिबेट में समय बोल सर। सर इनका सर या तो आप ये कह लीजिए अभी तो किया तो मुझे विस्तार में अपनी बात अभी रखने का, या सर चर्चा के समय मुझे अपनी पूरी बात रखने का अवसर मिले के सर। समय पूरा मौका सर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जब आप चर्चा करने आए तो मेरे विपक्ष के लोगों से अनुरोध रहेगा कृपया करके प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड को पढ़कर आए। 1948 में सर शाही हुकम की तरह उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कह दिया पीएम नेशनल रिलीफ फंड बना दो। 1948 से लेकर आज तक उसकी रजिस्ट्रेशन तक नहीं हो पाई यहाँ सर, 48 तक उसकी रजिस्ट्रेशन आज तक नहीं हो पाई सर। कैसे उसको FCRA क्लियरेंस मिली, कैसे उसको 12A की रजिस्ट्रेशन बगैर ट्रस्ट के सर, ट्रस्ट रजिस्टर नहीं है, ट्रस्ट डीड नहीं है, आपने सेक्शन 12A में कैसे उसको रजिस्टर किया, ATG की आपने एग्जम्पशन उसको कैसे दी, FCRA की क्लियरेंस आपने उसको कैसे दी, मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। हमने यहाँ पर पीएम केयर्स संविधानिक रूप से एक रजिस्टर्ड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है सर। मैं खुली चुनौती देता हूँ विपक्ष को, किसी भी मुद्दे पर चर्चा कर ले, यह संविधानिक रूप से पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, हिंदुस्तान की 138 करोड़ की जनता के लिए है। आपने केवल एक परिवार गांधी परिवार के लिए वो ट्रस्ट बनाए थे। प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में सोनिया गांधी, नेहरू, ये लोग वहां पर उसके सदस्य रहे सर। इसकी विस्तार में चर्चा होनी चाहिए,
दूध का दूध पानी का पानी हो, देश को आपका असली चेहरा नजर आना चाहिए सर। हम सब सुन, हम भी सब बड़े ध्यान से सुन रही थी सर उनकी सारी बात। बड़े अच्छी लेडी है और हम सब उनको सम्मान भी करते हैं। खैर बीच में कहाँ के वो हिमाचल के छोकरा कहाँ से आ गए, गधे कहाँ से आ गए, बीच में आके सारे बाजार खराब कर दिए, सारे बाजार खराब कर दिए इन्होंने। सर ये सर इस चर्चा में सर कहाँ से नेहरू, कहाँ से सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी का लाने का कोई जरूरत है सर? अब इस तरह की वायरल वीडियोस और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें अंधभक्त के साथ।